हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इसका 1 NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 56.93% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 32.21% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 49.62% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 20.59% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज़ मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो जरूर आप एक बार इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। NAV के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका 1 NAV का प्राइस है 306 रुपया 52 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 1,000 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 25,534 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफर लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफर लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स भी देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 73,944 रुपया, यानी 1 साल में आपको SIP के थ्रू 23% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,92,220 रुपया, यानी 3 साल में आपको SIP के थ्रू 62% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 8,96,219 रुपया, यानी 5 साल में आपको SIP के थ्रू 198% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप अगर एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,56,930 रुपया होता, 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,31,096 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 7,49,805 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 80 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, HFCL लिमिटेड कम्युनिकेशन, एजिसिक लॉजिस्टिक लिमिटेड सर्विस, बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड सर्विस, सन टीवी नेटवर्क्स लिमिटेड सर्विस, पॉली मेडिक्योर लिमिटेड हेल्थ केयर, अडानी पावर लिमिटेड एनर्जी, RBL बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 84.3, कैश पे है 14.7 और डेब्ट पे है 1%। इसकी इक्विटी सेक्टर एक लोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 18.8%, सर्विस पे 18, हेल्थ केयर 17.2, एनर्जी 15.5, फाइनेंशियल 14.5, कंज्यूमर स्टेप्स 10.8 और कम्युनिकेशन पे है 5.1%। यानी कि अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.34
और पीवी रेशियो 3.02। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप सेकेंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकेंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। SIP के ऊपर बात करते हैं, अगर आप मिनिमम SIP अमाउंट लगाना चाहते हैं तो फिर 1,000 से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 56.9, 3 साल में 32.2, 5 साल में 49.6 और एनुअल है 20.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, 1 साल में 48.6, 3 साल में 24.6, 5 साल में 32.4 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दिया है, और रिटर्न रैंकिंग के कैटेगरी पे 3 साल और 5 साल में नंबर 1 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो क्वांट स्मॉल कैप आपके लिए अच्छा विकल्प है। आप इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP और लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको इसके आसपास सिमिलर फंड्स चाहिए तो इसके आसपास दो सिमिलर फंड्स अच्छा है। एक तो है इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न 61.4, 3 साल का 29.3 और इसका फंड साइज है 5,052 करोड़ का। इसके अलावा एक और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अच्छा है, जो कि है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। आज के डेट में अगर देखें तो इसका करीब जो रिटर्न है 1 साल में वो 80% के आसपास है। नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड, तो एक बार जरूर आप इसको चेक कीजिएगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.64% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 34 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 90,625 करोड़ का। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से। पुष्पा राय अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 90,626 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 306,52 रुपया। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायट प्लान ग्रोथ, ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 1,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।